वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़े को पैरी बोना जी. वैसे ये गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और नाश्ता पानी हमारा निपट गया है. और आज मुझे फटाफट काम निपटाना है, क्योंकि अभी डीलर का कॉल आया था और मुझे एक मकान देखने जाना है. मदर इन लॉ भी मेरे साथ जाएंगी, तो फिंगर क्रॉस कि बहुत सारे देखे हैं मैंने अभी मकान और देख ही रही हूँ कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी से जल्दी खाली करना है. और मैं ये चाहती हूँ कि मिल जाए, डन हो जाए, तो समर वेकेशन में ही मेरा शिफ्टिंग का निपट जाए, ताकि आगे स्कूल खुले तो मुझे दिक्कत ना आए. तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरे लिए प्रेयर कीजिए. अपनी प्रेयर्स में सिर्फ एक मिनट हमें याद कीजिए कि मेरा ये एक रुका हुआ काम हो जाए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स बहुत मैटर करती हैं. आप सब जो मेरे परिवार के लोग हैं, अगर वो हमारे लिए थोड़ी सी प्रेयर्स करेंगे तो हमारा ये रुका हुआ काम हो जाएगा जल्दी. मेरा विश्वास है कि आप लोगों की दुआएं हमारे साथ होंगी तो हमारा काम ज़रूर होगा. तो प्लीज़ प्रे फॉर मी, जो हमें डेली देखते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, प्लीज़ हमारे लिए प्रेयर कीजिए. और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मुझे पानी की कहीं से आवाज़ आ रही थी, टक 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 टक, और मैंने जब देखा कि टूटियाँ तो सारी बंद हैं, तो ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये देखिए क्या निकला. ये देखिए गाइस, ये जो हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है बाहर की तरफ, यहाँ पर नीचे से ये देखिए, ये है रीज़न हमारा पानी की टंकी जल्दी खाली होने का, कि अब ये लीकेज शुरू हो गई है. तो क्योंकि पुराना बना हुआ है, डेली कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. ये प्रॉपर आप देख रहे हैं पानी कितनी तरह बुरी तरह लीक कर रहा है, तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा और फिर प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा. जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं इस घर में कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत पुराना बना हुआ है, ऑलमोस्ट 25-26 साल पुराना बना हुआ घर है ये, तो मुझे इसको लेना ही नहीं है. इसीलिए मैं आप देख रही हूँ और थोड़ा जल्दी देख रही हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए कोई तो मैं इसे शिफ्ट करूँ. तो फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या होता है, और बाद में इस प्लम्बर को बुलाऊंगी इसको ठीक करने के लिए. तो मिलती हूँ मैं आपसे वहाँ से होकर आने के बाद. Later. Guys, मैं जहाँ भी मकान वगैरह आज देख कर आई हूँ, काफ़ी सारे देखे हैं, एक थोड़ा सा समझ में भी आया है, थोड़ा सा देखा भी, अच्छा भी लगा है. जहाँ मैं रह रही हूँ एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही है. तो अभी बात हुई है, शाम को पता चलेगा, उनका कॉल आएगा, तो देखिए क्या होता है. और मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, घर आते ही बस नहाना धोना किया और फिर खाना वाना खाया, और खाना खाते ही अभी खा ही रही थी मैं कि बच्चे आना शुरू हो गए. तो अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने और मैं आपसे मिलूँगी अब शाम को, और होपफुली कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, नहीं तो फिर मूड ख़राब हो जाएगा यार. चलिए प्लीज़ प्रे फॉर मी और देखते हैं क्या होता है. गाइज़ ये देखिए, आरव अभी बाहर से खेल कर आया है और मैं भी पढ़ाकर फ्री हुई हूँ. तो यहाँ पर आरव की बॉल रोल पोल हो रही है, क्योंकि आरव क्यों धो रहा है, नहीं बॉल क्यों धो रहा है, हाँ पार्क में खेल कर आया है बॉल से, और बॉल बिल्कुल गंदी हुई पड़ी है, और देखिए कैसे गोल 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 उसको धो रहा है आरव. और गाइज हमारा डूगी बाहर आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, बेचारा गर्मी में बैठा हुआ है बाहर, और अभी मैं इसको दूध डाल के दूंगी. वेट, ये देखिए ये हमारा प्यारा सा डूगी जो बाहर बैठा हुआ है, इसको भी हम दूध डालते हैं. यार आप लोग भी गर्मियों में ना जानवरों को थोड़ा पानी या दूध वगैरह डाल दिया कीजिए, ताकि इनको भी कुछ खिलाने पिलाने के लिए मिल जाए. तो मैं अभी इस डूगी को दूध डाल के देती हूँ और फिर देखते हैं खाने में क्या बनाना है. और अभी मैंने बाहर भी जाना है, देसी घी बिल्कुल ख़त्म है, वो भी लाना है, तो लेट्स सी क्या क्या करते हैं. गाइस ये देखिए, ये डूगी लामा हमारा दूध पी रहा है, कितना प्यारा लगता है ना ये जानवर भी. जो डॉग्स बहुत पसंद है, बट रखने की जगह ही नहीं है, कहाँ पालें हम इनको. गाइज आरव को लगी है भूख और अब मैं बनाने लगी हूँ आरव के लिए कुछ अंडा ब्रेड. वर्ल्ड कप, यस आरव के लिए बना रही हूँ वर्ल्ड कप. गाइज देखिए आरव की भूख का झटपट इलाज, आरव की फेवरेट, अरे क्या ये टिकियां भाई, बाजार से कुछ लाने का टाइम नहीं था, टिकियां और इसमें क्या है, स्माइलीज, झटपट फटाफट साफ सुथरा घर का मक्खन. तो ये बन गई है मेरी आरवी के लिए प्यारी प्यारी टिकियां और थोड़ी सी स्माइल करते हुए स्माइलीज. आज कुकिंग की रेसिपी तो मैं डालूंगी नहीं, पूछिए क्यों मेरी मर्जी. अरे एक्चुअली चिकन पड़ा हुआ है, इसलिए मैं. अच्छा तो क्या डालोगे ब्लॉग में, क्या डालोगे ब्लॉग में, कुछ भी डाल देंगे हम, जो करेंगे वही दिखा देंगे और क्या. ठीक है स्माइलीज बन रहे हैं तेरे, सी स्माइलीज, अब मैं दिखाऊंगी पूरे बनने के बाद. चलो ये देखिए गाइस आरव का मील, स्माइलीज एंड टिकियां, और ये रहा मेरा टिक्कू सिंह, कितना खुश हो रहे, टिक्कियां आ गई और स्माइलीज आ गई. तो कितनी देर खेला है पार्क में आरवी, 2 घंटे ना, तो थकावट हो रही है. चलो अब एक्सरसाइज करनी है तूने, छत पे जाना है मेरे साथ, ऊपर टॉप फ्लोर पे.
हाँ चल, मेरे को डराने के लिए तो हमेशा तैयार है। चल खा ले खा ले खा ले फटाफट खा ले। अरे बोलते हैं गाइस देखिए मम्मी क्या कर रही है। अरे पढ़ा लो मैंने मारा। ये देखिए गाइस गर्मी आ गई, परेशानी है मेरे हाथ में एक बर्फ। हाँ मेरे भी लग गई, देख हाथ देखिए से लाल हो गया है। बापरे ये आरब की पिटाई के लिए रख के दिखाओ। जब मेरी बात नहीं सुनेगा ना इसकी पिटाई से। मेरे हाथ ही काफी है इसे तोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरे को मुझे लगा मुझे कह रहे हैं। अब ये जाएगी बर्फ थोड़ी सी आरब के अंदर, थोड़ी सी मत कर बोलने तो दे। हेलो गाइस देखिए अभी पता क्या कर रही थी, अभी पूरा हल्का सा व्लॉग बना लिया। वो एक रिहर्सल थी। अभी आरव और मैं कर रहे टिप टैप वाली, ये बॉल को जो हम करते हैं टैप 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 टैप, कौन की हार ही जाओगी। चल 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 पहले हार जाओ। असलियत दे अच्छी लगती है आपको। रेडी 143 ना मेरा 143 मैंने हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया अपना 800। चलो भैया अब देखते हैं अब कितना बनाता है। 1 2 3 4 बोल 5 लाउड नहीं नहीं बस चलो बाय बाय कर दे सबको। आज हमने खाना तो बनाया ही नहीं। चलिए गाइस अब मैं आपसे मिलूंगी कल। देखिए मैं फिर हार गई, मतलब इस लड़के से तो मैं जीत ही नहीं सकती। मतलब नहीं क्या परेशानी है इसको जीतने की। बच्चों एक्चुअली ये प्रैक्टिस बहुत करता है ना इन चीजों की, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि मैं ये सब चीजें कर सकूं। हाँ तो फुटबॉल ही खेल रहे थे हम अभी एक्चुअली। ये फुटबॉल है? अच्छा चुप हाथ का ही होते थे फुटबॉल। पता कुछ है नहीं। चलिए गाइस वाली बातें करोगी। हम मिलते हैं आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। तो प्लीज ऐसे ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। हम जो सारा दिन करते हैं वही आपको दिखाते हैं। नथिंग इज भूल गई मैं। तो मिलते हैं आपसे कल। नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल और कुछ भी डुप्लीकेसी नहीं होती। जो हम करते हैं वही आपको दिखा रहे हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी सारे ब्लॉग आप तक पहुंचते रहे। और इसी तरह हमें अपना प्यार दीजिए, स्माइल करते रहिए, गर्मी में अपना ध्यान रखिए और आपका भी ध्यान हम रखना चाहते हैं अपने एंटरटेनमेंट के साथ। तो आजकल थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी आ रहा है, थोड़ा मकान देखने के चक्कर में मैं निकल जाती हूँ, तो इसलिए आपसे इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो मिलती हूँ कल। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।